फाइनली ऑडियंस जिस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी उस मूवी का प्रीव्यू या ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो कैसा है ये प्रीव्यू आज की इस वीडियो में इसका रिव्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म्स के मेकर तो बड़े चलाक निकले, किसी को समझने का मौका ही नहीं दिया कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। इस मूवी में शाहरुख खान की बहुत सी लुक होने वाली है। प्रीव्यू या ट्रेलर में शाहरुख खान की 3 से 4 तो लुक दिखा दिए हैं फिल्म्स के मेकर ने। भाई साहब, इस प्रीव्यू या ट्रेलर को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि इस मूवी में जो एक्शन दिखाने वाले हैं वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। इस मूवी में जो हमें एक्शन दिखाया जाएगा वो पठान को भी पीछे छोड़ देगा। काफ़ी लोग जानते थे कि जवान का ट्रेलर या प्रीव्यू कुछ हटके होने वाला है, लेकिन इतना हटके होने वाला है किसी ने भी नहीं सोचा था। शाहरुख खान की एंट्री के बाद हमें नैन तारा की एंट्री दिखाई जाती है। क्या एंट्री थी भाई साहब। इसके बाद एंट्री होती है विजय सेतुपति की। इसके बाद एंट्री दिखाई जाती है दीपिका की। पठान मूवी की तरह जवान मूवी में भी ये गुंडू को पीट ही रही होती है। भाई साहब, फिल्म के मेकर ने समझने का मौका ही नहीं दिया कि मूवी की स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। और इस प्रीव्यू टीजर के बैकग्राउंड में जो बीजीएम चल रहा था, लिटरली वो आपको प्रीव्यू टीजर देखने के टाइम आपको हिलने नहीं देगा। गाइस, किसी ने भी नहीं सोचा था कि जवान का प्रीव्यू टीजर इतना शानदार और धमाकेदार होने वाला है। इस प्रीव्यू टीजर में शाहरुख खान की बहुत सी लुक दिखाई गई हैं। ऑडियंस को कंफ्यूज किया जा रहा है कि इस मूवी में शाहरुख खान की एक्चुअल में कौन सी लुक होने वाली है। स्टोरी को तो समझने का फिल्म्स के मेकर ने बिल्कुल भी मौका ही नहीं दिया। और इस मूवी में जो एक्शन होने वाला है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। आखिर में जो एक्शन सीन दिखाए जाते हैं लिटरली देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। गाइस, जवान मूवी 2023 की सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी हो गई है। अब कुमाई शो पर इस मूवी की अभी से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। गाइस, किसी ने नहीं सोचा का शाहरुख खान का 4 साल बाद कमबैक पठान के बाद जवान में भी ऐसा धमाकेदार साबित होने वाला है। उसके मेकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने जवान का प्यू रिलीज किया है। एनिमल के टाइम फिल्म के मेकर ने ऐसा ही किया था। एनिमल का टीजर रिलीज करने से पहले उन्होंने प्री टीजर रिलीज किया था। इस तरह जवान फिल्म के मेकर भी टीजर रिलीज करने से पहले प्री रिलीज कर दिया है। गाइस, आप लोगों को कैसा लगा यह प्रीव्यू या टीजर कमेंट करके जरूर बताएं।